सज्जनों और देवियों, इस दुख भरे संसार में सुख से रहने का तरीका क्या है? आदमी दुनिया की वस्तुएं कुछ पा जाता है तो इतरा जाता है, अहंकार कर लेता है। जवानी क्षणिक है, पद क्षणिक है, प्रतिष्ठा क्षणिक है, सारा सुख माना गया क्षणिक है, और इन्हीं सब के लपेट में दुखों की बड़ी लंबी श्रृंखला बनती है। चाहे कोई कितना धनी हो, विद्वान हो, पूज्य हो, प्रतिष्ठित हो, प्रीकवियोग पक्का है। बड़े बड़े महलों से और झोपड़ियों से एक समान लाशें निकलती हैं। झोपड़ियों से लाशें निकलती हैं तो महलों से भी निकलती हैं। अशिक्षित लोग मरते हैं, शिक्षित भी मरते हैं, प्रजा मरती है, राजा मरते हैं, प्रतिकूलता सबको मिलती है। बड़े से बड़े कहलाने वालों का तिरस्कार होता है। श्री राम जब लंका से लौट करके अयोध्या गए, विजय करके, लंका विजय करके, तो अयोध्या में उनको राज गद्दी दी गई। सीता जी रानी स्वाभाविक हुई, लेकिन अयोध्यावासी राम और सीता के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखते थे। वे नुक्ताचीनी करते थे, आलोचना करते थे कि जो सीता रावण के घर में इतने दिनों तक रही, राम ने फिर पत्नी बना लिया। लगभग 20-22 महीने लंका में सीता को रहना पड़ा था। रावण के रनिवास के वन में, अशोक वनिका में उनको रखा गया था। अशोक वनिका राजभवन में वह स्थल होता था जो रनिवास होता था, उसी में उनको रखा गया था। और रावण बारंबार कोशिश करता था कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। सीता जी कहती थी, बिल्कुल नहीं हो सकता है, राम हमारे पति, सीता में कोई त्रुटि नहीं है। और रावण की ये नैतिकता थी, छीन ले गए तो गलत था, लेकिन ये नैतिकता थी कि सीता को मनाता था, बलात् नहीं करता था, ये उसकी बहुत बड़ी बात है। उसकी नैतिकता को घटाने के लिए कथाकार कहते वो शापित था। अगर बिना इच्छा के किसी स्त्री के साथ कुछ घटना करता तो मर जाता, ये बकवास है। मरना तो वैसे ही पराई स्त्री घर न मरना है, लेकिन किसी की इच्छा के बिना उस स्त्री को कोई छू ले और कुछ कर ले तो मर जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो सीता निर्दोष थी, वे अपनी खुशी से नहीं गई थी, पकड़ करके ले जाई गई थी, हरण की गई थी, लेकिन अयोध्यावासी इस बात को नहीं समझ सके। पूरी अयोध्या में इसके लिए आलोचना होती थी। आप लोगों ने सुना होगा कि धोबी ने ताना मारा, धोबी धाबी कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण में ये सब कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण पुरानी रामायण है और बृहद है। उसमें यही है कि जन जन में ये रोष था। एक शाम को जब श्री राम ने मित्रों से पूछा कि मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे राजकाज के लिए, मेरी माताओं के लिए, सब के लिए कैसी चर्चा है अयोध्या में, मित्रों ने कहा सब चर्चा अच्छी, एक चर्चा खराब है। लोग कहते हैं सीता इतने दिनों तक रावण के घर में रही, राम ने उसको फिर से पत्नी बना लिया। हम लोगों की पत्नियां कहीं भी रहें, जब लौटेंगे अगर आती हैं तो उनको पत्नी बनाना पड़ेगा। जब राजा ऐसा करता है तो प्रजा क्या दशा होगी, ये चर्चा बहुत है। तो राम इतना सुन करके बहुत दुखी हो गए, मानो उनको सांप छू गया हो, और उन्होंने चुपके से सीता को निकाल दिया।
निकालना गलत हुआ सही हुआ उसकी समीक्षा यहाँ करने की जरूरत नहीं। बात यह है कि अयोध्यावासी सीता और राम को नहीं समझ सके। सीता निर्दोष हैं, लेकिन जब सीता और राम नहीं रह गए, आज आप जाकर के अयोध्या में देखो, गली गली में लोग सीताराम 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 जपते रहते। जब थे तो उनका तिरस्कार किया गया, जब नहीं हैं तो उनका नाम जपा जाता है। ऐसा संसार है। आप क्या आशा करते हैं? आपके आसपास के लोग आपकी आरती उतारते रहें, सब बड़ाई करते रहें? ये संसार ऐसा ही है। धनी निर्धन, अनपढ़ पढ़ा लिखा, तिरस्कृत पुरस्कृत, कोई भी हो, सबको मौत के मुख में जाना है और जीवन भर सबको सम्मान अपमान सुख दुख संयोग वियोग सहना है। उचाओ लमाओ घाटा मुनाफा कौन रोक सकता है? भोगने भर का दुख झोपड़ी से महल तक व्याप्त है। सारा संसार दुख से पीड़ित है। क्या भोजन नहीं मिलता है? भोजन तो मिलता है, चींटी को मिलता है, चींटों को मिलता है, बानरों को मिलता है, कुत्तों को मिलता है, सोरों को मिलता है, मक्खियों को मिलता है। भोजन तो सबको मिलता है, बस मन का नहीं है। जैसा मन चाहता है वैसा नहीं है, ये मनुष्य की लीला है। जानवरों को तो परेशानी नहीं है, वे संतुष्ट है। आदमी असंतुष्ट है, पीड़ित है। जैसा मन चाहता वैसा नहीं मिलता, और जिसमें मोह करता है वो गल जाता है, बिछुड़ जाता है, विमुख हो जाता है, और जिसको पसंद नहीं करता वो सामने पड़ा करता है। अप्रिय घटनाएं जीवन में आती रहती हैं, इन सबसे उबरने का रास्ता क्या है? क्या कोई मौत को रोक सकेगा? क्या अवस्था के परिवर्तन को कोई रोक सकेगा? कोई जवान सदा बना रहेगा? बूढ़ा होगा पक्का है, समझ लो। जवान लोग जो इसमें बैठे हैं अहंकार न करेंगे, आसपास जो उनके बूढ़े बैठे हैं वैसे वो भी होंगे, उनकी भी आंखें मुरझाएंगी, चाम में सिकन आएंगी और दांत उखड़ेंगे। बूढ़े होंगे, जमीन पकड़ करके खड़े होंगे। एक बूढ़ा जा रहा था, कमर झुकी थी, एक मनचले नौजवान ने कहा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? कमर झुकी थी इसलिए उसने व्यंग किया। उसने कहा, बेटा बिना पैसे के मिलता है, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें भी मिल सकता है। और आगे बढ़ा तो एक दूसरे जवान ने व्यंग किया, बाबा क्या खोजते हो? जिसकी कमर झुकी होती है चलते समय उसकी निगाह जमीन की तरफ रहती है। तो उसने व्यंग किया, बाबा क्या खोजते हो? कहा, बेटा जवानी खोजता हूँ। सब के ऊपर यह है, कोई बच नहीं सकता है। इससे ऊपर उठने के लिए भक्त ज्ञान वैराग्य ये सब साधन हैं। भक्ति में लगो, ज्ञान में लगो, वैराग्य में भी लगो। वैराग सबसे घबराओ ना, ये मत सोचो कि मैं यहाँ आया हूँ तो तुम लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ले जाने से कोई जाता है? ले जाने से जाता नहीं है, और जिसको होता है उसको भगाने से भागता नहीं है। एक नौजवान मेरे पास आया था, ग्रेजुएट ला किए था, कोई 28 वर्ष की उम्र का मस्त जवान, इलाहाबाद के पास का था। बहुत पुरानी घटना, शायद 77 की होगी, 1977। तो कहा, साहब अब घर नहीं जाऊंगा, बस समर्पित हूँ। समझाया बुझाया तो लक्षण दिखाई दिया कि इसको वैराग्य स्थिर नहीं। मैंने कहा, बेटा तुम घर चले जाओ। बहुत दुखी हुआ। अंत में एक दिन उसको घर भेजा ही
तो मेरे पैर को पकड़ करके इतना रोया कि पैर को भिगा दिया। मैंने कहा तुम्हें आज मैं न भेजूं तो कुछ दिन में तुम खुद जाओगे, इसलिए मेरी बात मान लो। चला गया। एक महीने के बाद उसने पत्र दिया कि साहब जब आप योग्य समझिएगा मुझे तब लिखिएगा, मैं आपके पास सदा के लिए आ जाऊंगा। तो मैंने उसको उत्तर दिया, उसमें ये लिखा कि एक स्त्री थी गर्भवती। तो एक दिन शाम को जब भोजन सब कर लिए तो उसने अन्य स्त्रियों से कहा, ऐसा लगता है कि आज मुझे बच्चा पैदा हो जाएगा, तो जरा पैदा होने के समय मुझे जगा दीजिएगा। तो स्त्रियां हंसने लगी, कहे बेवकूफ तू ही सबको जगाएगी कि हम जगाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हें मैं पत्र दूंगा, वो दशा आएगी तो स्वयं हो जाएगा। तो वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं है और कपड़ा बदलना नहीं, वैराग का अर्थ है मोह छोड़ना। वैराग का शुद्ध शब्द विराग है, राग मोह को कहते हैं, आसक्ति को कहते हैं। विराग मोह न होना, किसी को मोह नहीं करना चाहिए, मोह करने से कोई फायदा नहीं। सेवा करो, मोह न करो। देखो नौकरानी होती है धनी घरानों में, बच्चों को पालने के लिए आती है तो बच्चे को दूध पिलाती है, उपटन करती है, खिलाती है, अपने सीने पर सुलाती है, प्यार देती है, लेकिन अपना नहीं मानती है। और जब नौकरी छोड़ करके जाने लगती कोई तकलीफ नहीं होती, समझती मेरा नहीं है। इस ढंग से हम सबको रहना है, वैराग निर्मोहता। भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति का अर्थ है, भक्ति का तो मूल अर्थ है अलग हो जाना, विभक्त हो जाना भक्ति है। भक्ति का अर्थ अनुराग है, प्रेम है, झुकाव है, समर्पण है। कहाँ समर्पण? जहाँ से बुद्धि शुद्ध हो। कुछ लोग बहुत रैशनल विचार के अपने को मानते हैं कि मैं बहुत रैशनल तार्किक वैज्ञानिक दृष्टि वाला, भक्ति भुक्ति कुछ नहीं बकवास है, मैं भक्ति उक्ति नहीं मानता। लेकिन वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट की भक्ति करते हैं, काम वासना की भक्ति तो करते ही, लोभ मोह की भक्ति करते हैं, उसमें समर्पित हैं। कौन भक्त नहीं है, सब भक्त हैं। अब भक्ति किधर है ये तो पता लगेगा जीवन अध्ययन करने से। कहीं झुकाव होना भक्ति है, गलत के तरफ तो सब झुके ही हैं। जहां से बुद्धि शुद्ध हो वो भक्ति भक्ति है। कहां से बुद्धि शुद्ध होगी? सज्जनों संतों की संगत से। इसलिए सज्जनों के प्रति झुकाव करो, संतों के प्रति झुकाव करो, जिनका जीवन निर्मल है, ज्ञान निर्मल है, ऐसे लोगों की संगत करो, वहाँ झुकाव करो, ये भक्ति है। फिर आत्मा को पहचानो, अपने को पहचानो, आप कौन हो। अपने को पहचान करके अपनी तरफ लौटो, आत्म संतोष प्राप्त करो। गुरु की भक्ति हम क्यों करते हैं? आत्मभक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए। गुरु भक्ति हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। क्यों गुरु की भक्ति करें? गर्ज से करते हैं, हमें गर्ज है। मुझे स्वयं स्मरण आता है कि मुझे अपने गुरुदेव न मिले होते तो मैं ये सब न जान पाता और न ऐसी स्थित पाता, पता नहीं कहाँ भटकता होता। इसलिए गुरुदेव का अनंत उपकार है। अपनी गर्ज से गुरु की भक्ति की जाती है और गुरु की भक्ति आत्मभक्ति के लिए है। अपने आत्मा को पहचान करके अपने आत्मा में शांति पाने के लिए है। भक्ति रुझान, समर्पण, अनुराग, जहाँ से बुद्धि निर्मल हो ऐसी जगह। ज्ञान, निज स्वरूप का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, मैं कौन हूँ। आप देह नहीं हैं, प्राण नहीं हैं, मन नहीं हैं, बुद्धि नहीं है, ये सब शरीर के अंग हैं। आप शुद्ध चैतन्य हैं। देह स्थूल है,
प्राण उससे सूक्ष्म है, देह मिट्टी की है, प्राण हवा की है, हवा का है प्राण, प्राण समुच्चय पूरा हवा का, मन संस्कारों का समुच्चय है, बुद्धि ज्यादा सघन ज्ञान का अंग है, लेकिन वो ज्ञान करता है चेतन, बल्ब जलता है तो बल्ब मानो बुद्धि की जगह पर है, लेकिन अगर करंट न रहे तो बल्ब कुछ नहीं जलेगा। आत्मा के नाते ही बुद्धि प्रकाशित होती है, तो बुद्धि मन प्राण शरीर ये आत्मा नहीं है, आत्मा तो शुद्ध चेतन है। अपने आप को जानो, व्यवहार को जानो, बंध मोक्ष को जानो, खाद्य खाद्य को जानो, पेय पेय को जानो, जो जानने की चीज है वो जानो, क्या खाना चाहिए जानो, क्या नहीं खाना ये भी जानो, अंडा मांस मछली नहीं खाना चाहिए, नशा की कोई चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, पान तक नहीं खाना चाहिए, मुंह को खराब करता है। अच्छा है कि पान का प्रचार इधर कम है, गुड़ाखू की हैजा है, बीड़ी की हैजा है, ये इतनी है कि हद है, और शराब का नंबर तो बहुत आगे निकल गया है। पूरे भारत की दुर्दशा हो रही है, छत्तीसगढ़ का नंबर कुछ आगे है, कम नहीं। और मैं तो 2-3 साल से देखता हूँ कि शराब की दुकान और बहुत बढ़ गई है, जिस गली में जाओ उधर शराब की दुकान, शराब, देसी शराब, अंग्रेजी शराब, सर्वत्र बढ़ रही है। तो ये दुनिया को तो आप रोक नहीं पाएंगे, अपने को रोकिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये जानो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जानो। थोड़े समय के लिए रहना है, अपने कल्याण का काम सोच लो। जैसे मुझे यहाँ 2 दिन रहना था, तो जब आया तो ये जाना कि मैं कहाँ रहूँगा, प्रवचन कहाँ देना है, भोजन कहाँ करना है, घूमना हो तो कहाँ घूम सकता हूँ, ये सब जान लिया। अब हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं थी कि इस गांव में कितनी जनसंख्या है और किनका किनसे कैसा संबंध है, और इन लोगों का बाहर संबंध कहाँ कहाँ किनके बेटी दामाद और समधी लोग हैं, और किनका धन कितना है, और कौन बीमार रहता है, कौन ठीक रहता है, और कौन गड़बड़ है, कौन अच्छा, ये सब जानने की क्या ज़रूरत। जो अपने काम की चीज़ें जान लिया, 2 दिन रहा, काम किया और चल देना है। तैसे इस संसार में हम लोग आए हैं तो अपने कल्याण की बात समझ लें और कल्याण का काम करें। बहुत बात जानने से कोई लाभ नहीं है। वैसे पढ़ाई में आजकल तो बहुत बातें जान ली जाती हैं, लेकिन जीवन की बात नहीं जानी जाती। पढ़ाई में ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें आदमी क्लर्क और अफसर तो बनता है, डॉक्टर बनता है, मास्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मनुष्य बनने की सीख कम है। पिता कैसे होना चाहिए, पुत्र कैसे होना चाहिए, माँ बाप के क्या कर्तव्य हैं, पुत्र के क्या कर्तव्य हैं, ये सब नहीं सिखाया जाता है, ये त्रुटियाँ। जो अपने जीवन का आवश्यक कर्तव्य है समझो, कमाना खाना संसारी धंधा है, बिना खाए चलेगा नहीं, इसलिए कमाना है। कमाना क्यों है? खाने के लिए। खाना क्यों है? जीने के लिए। जीना क्यों है इसका पता नहीं। इतने लोग बैठे हैं, अगर पूछो क्यों जीते हो तो पता नहीं। कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? पता नहीं। ये जीवन है, जियो कल्याण के लिए। और कल्याण का अर्थ क्या है? दुखी न होना, दुख से मुक्त हो जाना कल्याण है। दुख से कैसे मुक्त होगे? क्या बुखार नहीं आएगा? क्या प्री कवियोग नहीं होगा? क्या घाटा और मुनाफा नहीं होगा? ये कुल होगा, सबके पीछे लगे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग का इतना अभ्यास करो, इतनी साधना में लगो कि अपने मन को मजबूत बना लो,
किसी स्थिति में विचलन न हो, यही चाह रहा है। प्री से प्री कभी योग हो जाए, रोना पीटना विलाप करना कोई समझदारी नहीं। आंसू आ जाना प्री के वियोग में कोई बुरा नहीं, थोड़ा आ गया, लेकिन विलाप करता है, रोता है, पीटता है, हाय हाय करता है, क्या कोई लौटेगा? इसी छत्तीसगढ़ की घटना है, एक बहुत समझदार महिला का पति मर गया, उसकी उम्र 50 रही होगी। मैं आया उस गांव में, कार्यक्रम था तो मिलने आई, बहुत सुपरिचित, बहुत समझदार महिला है, अभी भी है। कुशल मंगल पूछा, पति की वियोग की बात चबाई तो भावुक होने लगी। मैंने कहा भावुक बिल्कुल मत होना, अगर रोने से वो लौट जाए तो मैं भी रोऊंगा, और नहीं लौटने वाला है तो व्यर्थ में रो करके क्या हो, तो मुस्कुराने लगी। इसीलिए एक वचन से साहस होता है और एक वचन से साहस ढीला होता। दुनियादारी लोग तो ऐसे हैं, किसी बच्चा मर गया तो स्त्रियां इकट्ठी हुई रोने लगी, फिर समझाती बहनी न रो, दुनिया झूठी है, लेकिन क्या कहें, बच्चे की आंखें तो बड़ी बड़ी आंखें, अब बोलता था टाँ टाँ, बस फिर सब रोने लगे जोर से। तब फिर समझाती हैं, अरे न रो, दुनिया सपना है, कुछ है, लेकिन लड़का होनहार बहुत था, बस फिर रोने। दोनों प्रकार के उलट पलट करके चलाते रहते, स्वयं अबोधी, वो समझते हैं मैं रामदिली की बात करता हूँ। जो मर गया है उसकी बड़ाई करना एक सहानुभूति समझते हैं, तो अपना रोते हैं दूसरे को रुलाते हैं। ऐसा विवेकी बनो किसी अवस्था में विचलन न हो। धन बढ़ गया है, दाल भात रोटी सब्जी घी दूध दही मेवे मिष्ठान खाओ, कोई नहीं रोकता है, बस थोड़ा कम खाओ, ज़्यादा ना खाना। अगर घट गया है दूध दही न खाओ, दाल भात रोटी सब्जी खाओ, और धन घट गया है सब्जी भात खाओ, छत्तीसगढ़ के लिए तो सब्जी भात सबसे बढ़िया भोजन है, बस और कुछ नहीं। अगर और घट गया है तो नमक भात, लेकिन इतना तो चाहिए। फिर बढ़ जाए तो फिर दाल खाओ, फिर सब्जी खाओ, फिर घी दूध खाओ, अपने को उससे जोड़ करके नीच ऊंच न मानो। साइकिल पर चलते हो, पैसा मिल जाए मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, घट जाए फिर साइकिल पर आ जाओ, न साइकिल हो पैदल चलो, मैं पैदल चलता हूँ, आप लोग गाड़ी ले आते हो उस पर बैठ जाते हो, नहीं पैदल चलता हूँ, ट्रेन पर बैठ लेता हूँ, मेरे पास साइकिल भी नहीं, लेकिन आप लोग कोई करुणा करके मुझे साइकिल न दीजिएगा, क्योंकि मैं साइकिल चलाना भी नहीं जानता हूं। तो किसी चीज से जोड़ करके अपनी इज्जत समझते हो, दुखी रहोगे। संपन्न है लेकिन दुखी है, सफलता है संतुष्ट रहना। दुकान करते हो संतुष्ट रहो, उसमें जी जान से लगे रहो। खेती करते हो, पेशा में सबसे उत्तम खेती है। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, उत्तम खेती मध्यम बान, कनिष्ठ चाकरी भीख निदान। उत्तम पेशा खेती है। अब आजकल खेती को निकृष्ट समझते हैं, गांव के पढ़े लिखे लड़के नौकरी नहीं मिले। मैं पूछता हूँ, बेटा क्या करते हो? साहब बेकार हूँ। खेती तो है? हाँ खेती तो है, खेती है, लेकिन पढ़े लिखे हैं तो बेकार है, नौकरी है तो साकार है। खेती बादशाहत है, अपने घर में रहो, बादशाह हो, खेती करो मस्त, किसी की नौकर नहीं। कलेक्टर भी नौकर है बेचारा, कमिश्नर भी नौकर है। एक कलेक्टर को तो मुख्यमंत्री ने डांटा तो वो बेचारा कांपने लगा और मुख्यमंत्री के पैरों पर गिर पड़ा। इसलिए कलेक्टर होना क्या है, नौकरे तो हैं। किसान किसका नौकर है? किसान बादशाह है अपने घर का। उत्तम खेती मध्यम बान, व्यापार करना दुकानदारी करना मध्यम है, और कनिष्ठ चाकरी, चाकरी नौकरी करना तीसरे नंबर की बात है, चाहे कोई भी हो नौकर है, और भीख निदान, अंततः जब आदमी असमर्थ हो गया तो भीख मांगता है, वो मजबूरी है।
वो कोई पेशा नहीं। जहां रहो उसमें संतुष्ट रहो, संतुष्ट होने की आदत बनाओ, और ये नहीं होगा कोई सुखी नहीं रहेगा। मिट्टी की दुकान आप करते हो, मिट्टी बेचते हो और समर्पित होके काम करो तो मिट्टी की दुकान सोने की दुकान हो जाएगी, और सोने की दुकान करते हो लापरवाही से तो मिट्टी की दुकान बन जाएगी। खेती पृथ्वी माता, वेद में लिखा है कि पृथ्वी के अंदर व्यंजनों से भरे थाल रखे हैं, निकाल लो। सचमुच में कबीर साहब ने कहा सबकी उत्पत्ति धरती सब जीवन प्रतिपाल, सबकी उत्पत्ति धरती है, अन्न इससे पैदा हो, फल इससे पैदा हो, तेल पेट्रोल इससे निकले, पानी इससे निकले, पत्थर और रत्न इससे निकले, कोयला इससे निकले, सब तो इसी से निकलता है। जो मिट्टी की सेवा करता है उसकी ऊंची सेवा है। इसलिए जिस योग्यता और स्थित में रहो काम करो और प्रसन्न रहो। विदेश की बात है, एक ऑफिस में दो बाबू आपस आमने सामने बैठे काम कर रहे थे। एक को जोश आ गया, कहा मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता जूता टांगते थे। तो उन्होंने कहा जूता गलत तो नहीं टांगते थे? तो शर्मा गया, जूता टांकना बुरा नहीं है, जूता बनाना जूता टांकना अच्छा काम है। अगर जूता टांगते थे तो बुरा क्या करते थे? जूता टांकना, कपड़ा सिलना, कपड़ा बुनना, खेती करना, टट्टी फेंकना, नाली साफ करना, सब काम उत्तम है। हिंसा करना गलत है, चुगली करना गलत है, निंदा करना गलत है, किसी को धोखा देना गलत है, किसी का नुकसान करना गलत है, किसी की बहू बेटी पर कुदिष्ट करना गलत है, दुराचार करना गलत है, और कोई पेशा बुरा नहीं है। आत्मसंतोष सबसे बड़ा सुख है, और ये अच्छी समझदारी से संभव है। बिना समझ के कोई संतुष्ट हो नहीं सकता। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, शतेषु जायतेषु रा सहस्रेश्च पंडिता वक्ता दस सहस्रेषु संतोषी नैव दृश्यते। सौ में कहीं एक शूरवीर होता, शतेषु जायतेषु रा सहस्रेश्च पंडिता, हजार में कोई एक पंडित होता है। वक्ता दस सहस्रेषु, अच्छा प्रवक्ता 10,000 में कहीं एक होता है, लेकिन संतोषी नैव दृश्यते, संतोषी तो कहीं दिखाई ही नहीं देते। और संतोष के बिना कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। बात यह आती है कि आदमी संतोष कर ले तो विकास रुक जाएगा। ये पढ़े लिखे लोगों का प्रश्न है। संतोष की बात आती ही वो ठोंक देते हैं प्रश्न, संतोष कर लो विकास रुक जाएगा। जब असंतोष करो तब विकास होता है। कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें जो प्राप्त है क्या उसमें संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं। उससे बढ़िया घर चाहते हैं, उससे बढ़िया साथी चाहते हैं, उससे बढ़िया अपना शरीर चाहते हैं, हर चीज़ तो और बढ़िया चाहते हैं, संतुष्ट तो कोई नहीं, तो कितना विकास कर ले। असंतोष से अगर विकास होता तो सबका विकास हो गया होता। असंतोष से विकास नहीं होता है, असंतोष से चित्त जलता है। जितना आदमी असंतुष्ट होगा उसका चित्त जलेगा और कुछ नहीं होगा। विकास परिश्रम से प्रारब्ध से होता है, और विकास की एक सीमा होती है, सर्वथा विकास नहीं होता है। एक बच्चा 1.5 फीट का है तो विकास करते करते 1,000 फीट का हो जाएगा, बहुत जाएगा, 5-6 फीट के जाएगा बस। हर तरफ का विकास रुक जाता है। विकास शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं है, परिवर्तन शब्द पूर्ण है। सर्वत्र परिवर्तन है। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए, जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। कबीर साहब कहते हैं सूरज उगता है लेकिन वो डूब जाता है, फूल खिलते हैं वो सूख जाते हैं, मकान चुना जाता है और एक दिन ढह जाता है,
आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, ये संसार का स्वभाव है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, विकास एक सीमा तक है। बड़े बड़े वैभव थोड़े दिन में नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों की फैक्ट्रियां बंद हैं। बड़े नगरों में जब मैं रहता हूँ, चाहे दिल्ली चाहे कलकत्ता इत्यादि में, कहीं जा रहा हूँ गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से, बहुत बड़ा कारखाना का घेरा है, उदास पड़ा। पूछता हूँ, क्या भाई ये कैसे उदास है? महाराज ये बंद हो गया है, जहाँ हजारों लोग काम करते थे वो फैक्ट्री बंद है। बनता है बिगड़ता है, संसार का स्वभाव है, लेकिन तो भी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में फर्क नहीं पड़ता है। आपका घर छूट जाए, खेत छूट जाए, परिवार छूट जाए, सब छूट जाए, अब आप अकेले एक तरफ कहीं चल दो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी तरफ, तो भी आपकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में अंतर नहीं पड़ेगा। भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, सोने की जगह मिलेगी, ये पक्का है। परिवर्तन संसार का स्वभाव है। थोड़े दिन में काल सब कुछ को पीस करके रख देता है। मैं तो कभी कभी ऐसा भी संयोग पड़ता है कि 20 बरस पर उस गांव में गया तो गलियां बदल गईं, आदमी तो बहुत बदल गए। 50 बरस में तो पहचानने वाले कम मिलते हैं। 100 बरस के बाद कोई जाए अपने गांव में, किसी से परिचय होगा? और 100 वर्ष का क्या मूल्य है? अनादि अनंत काल है, काल अनादि से है और अनंत है। अनादि अनंत के बीच में 100 वर्ष सेकंड से भी कम है। एक कहानी आपसे कहूं, इंद्र ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, देखो मकान हमारे लिए बनाना है, 100 वर्ष तुम्हें लगेंगे मकान बनाने में। विश्वकर्मा ने कहा, महाराज मैं तो एक एक घंटे में बहुत मकान बना देता हूँ, 100 वर्ष आप ही का मकान बनाऊंगा तो दुनिया का काम रुक जाएगा। इंद्र ने डांटा, अब इंद्र बड़ा देवता, उसने डांटा और कहा, बेवकूफ़ी की बात मत करो, जो मैं आज्ञा देता हूँ करो, 100 वर्ष तक तुम्हें मकान बनाना है। बना रहा था, एक वर्ष बीत गया था, कोई देवताओं की मंडली जुटी थी, वहाँ विश्वकर्मा भी निमंत्रित थे, गए विश्व भगवान भी आए थे। उन्होंने विश्वकर्मा को देख करके कहा कि तुम उदास क्यों हो, तो बताए सब बात। विष्णु ने कहा, अच्छा इंद्र को इतना घमंड हो गया, अच्छा मैं देखूँगा। वो एक साधु का वेश बनाए विष्णु जी और पहुँच गए इंद्र के यहाँ। इंद्र गद्दी से उठे, साधु आए हैं, नमस्कार किए, के महाराज किधर से दर्शन दिए? के साधु हूँ, घूम रहा हूँ। इतने में दूसरे तरफ से एक विचित्र साधु आ गए, जिनके देह भर में भालू सरीखा बाल, और जो कमर में एक लंगोटी पहने थे, एक चटाई लपेट करके कांख में दबाए थे। तो विष्णु ने भी नमस्कार किया, इंद्र ने भी नमस्कार किया। विश्व भगवान रूपी जो साधु थे, साधु रूप में उस वहाँ तो थे, उन्होंने उनसे कुशल पूछा, महाराज आप किस तरफ से आ रहे हैं? कहे, साधु हूँ, घूम रहा हूँ। कहे, महाराज आपका आश्रम कहाँ है? कहे, क्या आश्रम बनाऊँ, जीवन बहुत छोटा है। कहे, महाराज आपकी आयु कितनी है इस समय? कहे, मेरी आयु पता नहीं है, जब एक ब्रह्मा मर जाता है तो मेरा एक बाल गिर जाता है, और मेरे सामने हजारों ब्रह्मा मर चुके हैं। अब ब्रह्मा की आयु कितनी होती है आप जानेंगे? हम लोगों के 4,32,00,000 वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा का दिन होता है, और इतने की रात होती है। मनुष्यों के 8,64,00,000 वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा का 24 घंटा होता है, रात दिन। ऐसे 30 रात दिन का महीना और 12 महीना का वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष बीतते हैं तब ब्रह्मा मरता है। 31 नील, 10 खरब,
40 अरब बरस जब हम लोगों के बीतते हैं तब एक ब्रह्मा मरता है, और ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा उनके सामने मर गए थे, और उन्होंने कहा था मेरे शरीर में जितने बाल हैं ये सब एक एक ब्रह्मा के मरने पर गिरेंगे एक एक बाल, और जब सब बाल गिर जाएंगे तब मैं मरूंगा। तो विष्णु ने कहा महाराज आपने कुटिया नहीं बनाई। अरे कहे जीवन क्षणिक है, क्या कुटी बनाऊं। इंद्र ने सोचा इतनी लंबी आयु वाला कुटी नहीं बना रहा है, और मैं अल्पायु का 100 वर्ष की नींव डाला हूं, अंदर अंदर टूटने लगा। इंद्र ने कहा महात्मा से महाराज आपका नाम क्या है। कहे मेरा नाम है लोमस, और कोई तो नाम नहीं, लोम रोम है हमारे शरीर में ज्यादा, तो लोमस लोमस कहते हैं। तो कहे महाराज जब प्रलय हो जाता है ब्रह्मा नहीं रहते तब आप कहाँ रहते हैं। तो कहे प्रयागराज में अक्षय वट है, उसका प्रलय नहीं होता, उसी पर रहता हूँ। आप लोग भी प्रलय का समय आए तो यहीं दुर्ग बैठे सीधे प्रयाग आ जाए और अक्षय वट पर अपना आसन जमा लें। वहाँ एक पीपल की डाली तोड़ करके पंडित लोग बांधे रहते हैं, देखो यही अक्षय वट है। तो लोमस जी तो चल दिए। विष्णु भगवान हंसने लगे। इंद्र ने महाराज क्यों हंसते हो। कहे इंद्र आ रहे हैं सब। कहे महाराज कोई तो नहीं आ रहा है। कहे देखो ये चींटियों की पंक्ति आ रही है, ये सब इंद्र हो चुके हैं, ये सारी चींटियां इंद्र हो चुके हैं। तो कहे महाराज तो मैं भी चींटी हो सकता हूँ। कहे बिल्कुल। तब उन्होंने कहा महाराज आप कौन हैं बताइए। तब विष्णु भगवान ने कहा मैं विष्णु हूँ। तुम 100 वर्ष की नींव डाले हो और दुनिया काम नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने क्षमा मांगी और विश्वकर्मा को छुट्टी दिया। ये कहानी है। न कोई ऐसा विष्णु हुआ है, न ऐसा कोई इंद्र हुआ है, न ऐसा कोई लोमस हुआ है। ये कथाकार लोग गढ़ते रहते हैं समझाने के लिए। 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जीता है, कोई कोई 100 से ऊपर चले जाते हैं, बस यही सच है। आप रामचरितमानस में सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कि पार्वती ने इतने 1000 बरस तक तप किया, काल्पनिक है। और उसमें काकभुसुंड की ने कहा गरुण से, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और वीसा, 27 कल्प बीत गए मेरे यहाँ रहते रहते। तो ये सब काल्पनिक कहानियाँ, वेदों में 100 वर्ष जीने की कल्पना की गई है। कहानियाँ समझाने के लिए एक तरीका। इंद्र सूर्य है, विष्णु सूर्य है वेदों के अनुसार। और वेद आप पढ़ें, इसमें इन पुस्तकों में है एक मेरी पुस्तक वेद क्या कहते हैं, थोड़ा जो समझने की शक्ति रखें उनको पढ़ना चाहिए, तो उसमें पता चलेगा विष्णु कौन है, इंद्र कौन है, इंद्र का विष्णु का सबका संदर्भ है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। बातों को समझाने के लिए है कि सब क्षणिक है, कुछ रहने वाला नहीं। असंतोष अपनी दरिद्रता है, धनाढ्यता क्या है संतोष। पैसे से आज तक कोई संपन्न नहीं हुआ है, ना वित्तेन तर्पणियों मनुष्यों, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता, सब गरीब हैं, सब गरीब हैं, क्योंकि सबके मन में तृष्णा है। जिसकी तृष्णा मिट गई वो संपन्न हो गए। बहुत सहज है संपन्न होना, कमाओ और कमाई में जो मिले उसमें संतोष रखो, बस आप संपन्न हो, धनी हो। और बहुत धन हो संतोष न हो तो दरिद्रता है। दरिद्र सत संतुष्ट है, दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है। कृपण योजित इंद्रिया, कृपण वह है जो जितेंद्री नहीं है। गुणे सशक्त धीर ईशव, ईश्वर वह है जो विषयों पर विजयी है। गुण संगो विपर्जया, जो विषयों में लीन है वो गुलाम है। संपन्नता संतोष में, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये कबीर साहब की साखी
भारत प्रसिद्ध नहीं, विश्व प्रसिद्ध है। गोधन है, गजधन है, गोधन गजधन बाजी घोड़ा धन है, और रतन धन खान, और भी रतन बहुत हैं, लेकिन जब संतोष धन आता है तब सब धन धूरी समान। दुनिया का धन गुजर बसर तक की क्षमता रखते हैं। दुनिया की जिसे हम संपत्ति कहते हैं, वे क्या करेंगे? खाना पानी, कपड़ा लत्ता, घर द्वार की व्यवस्था उनसे होगी बस। जो बहुत धनी होता है, क्या चार चार कुंतल का भात खाता है? किसानों में है, किसी किसी के 100-100 गाड़ा धान होता है, 200-200 गाड़ा धान होता है, तो उनकी खुराक देखो, क्या वह एक घड़ा भात खा जाते हैं? खाते थोड़े हैं, दो रोटी आप खाते हैं। अब आपके पास 10,000 रोटियां रख दी जाएं, तो आप संपन्न हुए? क्या फायदा हुआ? 4-6 कपड़े पहनते हैं, 10,000 कपड़े रख दिए जाएं, तो क्या मतलब हुआ? ये सब बोझा है, जंजाल है। एक सेठ एक बार मिलने आए, मैं अयोध्या के पास एक बाजार में था, तो वहाँ वो मिलने आए, तो हमारे भक्त ने परिचय दिया कि साहब ये सेठ हैं। तो मैंने कहा हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे, तो मुझे घूर करके ताकने लगे, क्योंकि भाई सेठ आदमी, मैं उसकी तोहीनी मैंने की। मैंने कहा ये बड़े कबाड़ी होंगे, तो मैंने कहा देखो भाई, आप सेठ हैं इसका मतलब आपके पास अतिरिक्त धन है, अधिक धन है, आपका मकान बड़ा होगा, तो ईंट पत्थर लोहा लक्कड़ का कबाड़ ज़्यादा होगा। आपके घर में बर्तन का कबाड़, फर्नीचर का कबाड़, कपड़े का कबाड़, रुपये का कबाड़, ये सब कबाड़ ज़्यादा होगा, आप बड़े कबाड़ी, तब वह सरल हो गए। कहे महाराज आप सच कहते हैं, धनी होने का मतलब क्या है? बड़ा कबाड़ी। धनी वह है जिसके संतोष है, जिसके पास राम धन है। राम धन तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान नहीं है। सबके अंदर में राम धन है। गोस्वामी जी का भी दोहा, जहां तोस तहां राम है, राम तोस नहीं भेद, तुलसी पेख गहत नहीं सहत विविध विध खेद। जहां संतोष है वहां राम है, राम और संतोष में भेद नहीं है। ऐसा समझ करके लोग संतोष नहीं ग्रहण करते हैं, राम को खोजते हैं। यहाँ गोस्वामी जी पारखी हो गए हैं पूरा। संतोष प्राप्त करना राम को प्राप्त करना, और संतोष प्राप्त करना बहुत सरल है, धन प्राप्त करना सरल नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ और कहूँ भाई ये जिसका बियारा है मुझे दे दे, मैं यहाँ कुटी बना के रहना चाहता हूँ, वो कहेगा साहब हम तो ये कार्यक्रम के लिए दिए हैं और आगे नहीं। अब अगर मैं ही बैठ जाऊँ तो पंचों से बुला करके मुझे निकलवाएगा, उसे नहीं निकलूँगा तो पुलिस आ जाएगी। और अगर वो गांव भर मिल करके कहो कि साहब मैं अब यहीं कुटी बनाऊँगा आपके लिए और रुकिए, और मैं चल दिया तो आप क्या करोगे? छोड़ करके जाने में मुझे कुछ परतंत्रता नहीं, और पकड़ने में भयंकर परतंत्रता, पकड़ ही नहीं सकते, क्या पकड़ पाएंगे? कुछ अपने हाथ में नहीं। आप लोग सुने होंगे, बोर्ड में भी पढ़ते होंगे, इलाहाबाद आश्रम है, इलाहाबाद आश्रम है, अरे है सार्वजनिक संस्थान है, लोग वहाँ रहते हैं, हम भी रह लेते हैं, हमारा आश्रम कहाँ है? हमारा आश्रम कहीं नहीं, हमारा आश्रम तो अंतरात्मा में है। वही इलाहाबाद में मैं था तो एक सज्जन आए, कहे महाराज ये बड़ा अच्छा हुआ आपका अस्थाई आश्रम बन गया। मैंने कहा मेरा अस्थाई आश्रम में कहाँ बन गया, मेरा अस्थाई आश्रम में नहीं है। तो समझ नहीं पाए, तो मैंने समझाया कि देखो ये तो छूट जाएगा आजकल में, अस्थाई आश्रम कहाँ? अस्थाई आश्रम स्वरूप स्थित है, आत्मस्थित है, आत्मलीनता है, अंतर्मुख होना है। ये बाहर वाला ऊपर की सब बात, सपना देखते हैं नींद खुली, सपना झूठ, और ये आँखों से देखते हैं और सो गए तो ये झूठ। एक सपना आंखें खोल करके देखते हैं, एक सपना आंखें बंद करके देखते हैं,
सोते समय जो सपना देखते हैं आंखें बंद करके, और जागते समय जो सपना देखते हैं आंखें खोल करके, दोनों सपना। सपना सब संसार यह सपना तीनों लोक। सुंदर जागे हो स्वप्न से तब सब जाने हो फूक। क्या बचपना सपना नहीं हो गया? यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं मुकदमे में हारे हुए के समान, कोई मुकदमा में हार जाए तो बेचारा हताश बैठा रहता है। बूढ़ों की दशा यही है, मुकदमे में हारे की तरह वो घर में एक किनारे बैठे हैं। वे जवान थे, वे बच्चे थे, वे शिष्य थे, लेकिन वो कुछ नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। सब नश्वर है, सब क्षणिक है, सब स्वप्न की तरह। मृग मरीच का जेठ की धूप की लहरियों में पानी प्रतीत होता, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। ऐसे अज्ञान बस दुनिया की चमक दमक में सुख की कल्पना होती है, और इसी सुख की कल्पना ने जीव को नरक दिया है। भ्रमित हो करके सारा पाप इसी चमक दमक के पीछे लोग करते हैं। जीवन का कल्याण है भक्ति ज्ञान वैराग की साधना में लगो, संसार की नश्वरता को समझो। सुबह शाम अकेले में बैठो, ग्रंथों का ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। ध्यान क्या है? एक पुस्तक इसमें है मेरी, उसको पढ़ो, ध्यान का रास्ता उसमें मिलेगा। एकाग्र हो, अपने आत्मा में लौटो। ये सब कुछ भार आ करके छूट जाने वाला है, किसी का कुछ रहने वाला नहीं। हम सुनते हैं अमुक हार्ट अटैक हो गया, अमुक का एक्सीडेंट हो करके मृत हो गई, अमुक बिस्तर पर लेटा और सुबह मरा मिला। वही रास्ता अपने लिए है, इस शरीर का रास्ता वही है, आजकल में यही होगा। पहले से अपने मन को समेटो, अपने को इतना मजबूत बनाओ कि किसी स्थिति में विचलन न हो, प्री से प्री छूट जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, अपजस हो जाए, तिरस्कार हो जाए, घाटा हो जाए, प्री लोग मर जाएं, तो भी विचलन न हो, ये कल्याण है। ऐसा विवेक संपन्न मन बनाना ये साधना है। इसे कौन करेगा? हमें और आपको करना होगा। गुरु रास्ता बताएंगे, रास्ता बताने वाला ना हो तो काम नहीं होगा, लेकिन गुरु की ओर रास्ता ही बता पाएंगे। करना पड़ेगा हमें और आपको। हमने स्वयं बंधन बनाया है और हमें ही बंधन खोलना है। जितने इसमें बीड़ी तम्बाकू शराब या कोई भी दुर्व्यसन ग्रहण करने वाले हों, स्वयं सोचें, उन्होंने स्वयं बनाया है। कुसंग से संगत से ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने स्वयं ये गलती की है। अब इस गलती को कौन छुड़ाएगा? बाहर से कोई मित्र समझा सकता है, छोड़ना आपको है। ऐसे मोह जो बनाया है हमने बनाया है, हम ही को काटना है, दूसरा कोई काट नहीं सकता है। ये जीवन कल्याण के लिए है, और कल्याण का अर्थ है दुख से मुक्त हो जाना, दुखी न होना, सब समय आनंद कंद। ये जीवन आनंद से जीने के लिए मिला है, रोने के लिए नहीं मिला है, हाय हाय करने के लिए नहीं मिला है। हरदम असंतुष्ट, हरदम असंतुष्ट, हरदम असंतुष्ट। आदमी की तृष्णा, आदमी का अविवेक जहाँ है वो संतुष्ट नहीं है। एक बॉम्बे वाला, एक कलकत्ता वाला एक जगह मिला। बॉम्बे वाला कहा, यार क्या कहूँ, कब समय आएगा मैं कलकत्ता देखूँगा, कलकत्ता का आनंद लूँगा। कलकत्ते वाले ने कहा, यार बम्बई क्षेत्र पार्टी आज तक नहीं देखा, मैं सोचता हूँ कब समय आएगा मैं बम्बई देखूँगा। कलकत्ता से कलकत्ता वाला उदासीन है, और बम्बई से बम्बई वाला उदासीन है, और एक दूसरे के प्रति आकर्षित है। ये भ्रम अविवेक, और कठोर भाषा में कहें तो मूर्खता। बम्बई कूड़ादान है, कलकत्ता कूड़ादान है, पूरा संसार खाकदान कूड़ादान है। सबका आधार जो शरीर माना है वही कूड़ा कचड़ा है, कहाँ क्या है? जो अंतर ज्योति आपकी है वही सर्वोच्च है, उसे आप जीव कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो,
पारक कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गाड कहो, परम तत्व कहो, भाषा है, लेकिन तत्व एक है, आपकी अंतर ज्योति, आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका होना, वही आपके लिए सर्वोच्च तत्व है, उसको पहचानो। सत्संग में निर्देश किया जाता है, यहाँ आप सुन करके चाहें कि इसी में काम बन जाएगा, काम नहीं बनेगा। और काम बनना एक तरफ यही है, एक तरह यही है कि यहाँ सुने और निर्देश लिए, फिर लग गए तो काम बना। संत के दर्शन से मोक्ष होता है, यह महिमा परक भी और सच भी है। संत के दर्शन से मोक्ष हो तो सबका मोक्ष हो जाना चाहिए, जितने लोग संत को देखें, और सच भी है। पहले हम संत के दर्शन करते हैं तो उनकी वाणी और दर्शन और विचारों से प्रभावित होते हैं, तब लगते हैं, तब धीरे धीरे मोक्ष भी होता है। इसलिए प्रवचन में जो आप सुन रहे हैं इससे कल्याण है, लेकिन कब? जब इसको जीवन में उतारने की चेष्टा करें, आप और हम दोनों, हम कह दें और करें ना तो हमारा कल्याण नहीं होगा, आप सुन लें वो करें ना करें तो भी कल्याण नहीं होगा, करना शुरू करना चाहिए। और इसके लिए सबको रोज़ समय निकालना चाहिए, सबसे बड़ा काम यही है, और काम तो आनुषंगिक हैं, आगे पीछे अगल बगल लगे हैं, मुख्य काम यही है। जैसे कोई मकान बनाए, लिपे पोते, रंगे, साफ करे, बढ़िया गद्दा बिछावे, और रोज यही करे और कभी सोए ना, तो क्या मतलब है? मकान बनाना, सैया बिछाना किस लिए? विश्राम करने के लिए। जीवन भर हम मकान बनाते रह गए, सैया बिछाते रह गए, विश्राम कभी नहीं किए। घर बनाए, परिवार सजाए, धन दौलत इकट्ठा किए, बाल बच्चे पैदा किए, पाले पोसे, जीवन बीतता चला गया, असली काम नहीं हुआ। असली काम क्या है? चित्त का आनंद, प्रसन्नता, सच्चा सुख, सच्ची शांत, ये काम करने के लिए मानव जीवन मिला है। जो जहाँ है कोई असंतुष्ट न रहे, छोटा धन है, बड़ा धन है, छोटा घर है, बड़ा घर है, सबका बराबर नहीं हो सकता है। बुद्धि का अंतर है, प्रारब्ध का अंतर है, शरीर का अंतर है, गुणकर्म स्वभाव का अंतर है, और इस अंतर से मौलिकता में कोई अंतर नहीं। कोई भी समझदार हो, लड़का न हो, छत्तीसगढ़ी भाषा में लड़का कहते हैं और अवधी भाषा में बैधा कहते हैं, अवध क्षेत्र में लड़का को बैधा कहते हैं। एक लड़का मिला तो जवान था, उसने मुझे देखा तो अपनी भाषा में वो बोला, छत्तीसगढ़ी में, मैं हिंदी कह रहा हूँ, उसने कहा कि महाराज चाहता है मेरा मन कि आप सरीखा मैं भी साधु बन करके रहूँ। तो मैंने कहा विवाह नहीं करोगे तो कहीं कोई खोजने वाला नहीं है, तो ऐसा आदमी क्या समझेगा? लड़का ना हो, समझदार हो, समझता हो, फिर कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, किस कुल में जन्मा है, कितना धन है, इससे मतलब नहीं। समझता हो, समझदार हो और लग जाए, उसी का कल्याण हो। तो भाई सत्संग में लगो, भक्ति में लगो, अपना उद्धार करो। कोई साथ देगा नहीं, शरीर ही छूट जाएगा तो क्या साथ देगा?